गुड इवनिंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 शाम के और मैं निकल चुका हूँ अपने क्लिनिक से। छुट्टी हो गई है मेरी क्लिनिक से आज के दिन की, और बाहर का टेम्परेचर है लगभग 14 डिग्री, यानी कि बहुत ठंड है आज। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने जूनियर के पास और वहाँ से मैं और वो जाएंगे हॉट कॉफ़ी पीने। आज हम ट्राई कर रहे हैं हॉट कॉफ़ी काफ़ी टाइम बाद। तो अभी जाता हूँ पहले उसके पास और फिर वहाँ से हम दोनों जाएंगे चाय सुट्टा बार, और चाय सुट्टा बार में हम पियेंगे हॉट कॉफ़ी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ और देहरादून में ही मेरी क्लिनिक भी है। मैं अभी आपको नहीं बता सकता कम्प्लीटली कि मैं कहाँ पर रहता हूँ और कहाँ पर मेरी क्लिनिक है। धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा कि मेरी क्लिनिक कहाँ पर है। इस समय मैं निकल चुका हूँ अपने जूनियर के क्लिनिक, वो जूनियर भी है और मेरा दोस्त भी है, उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे बाजू में लगा है मेला, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं ड्राइव करते हुए वीडियो नहीं बना सकता, मैं उसको मतलब कहने का मतलब है ड्राइव करते वक्त मेरी हैंडलिंग नहीं हो सकती वीडियो के साथ, तो आपको बस थोड़े से ही व्यूज दिखाई देंगे, ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। बस आपको एक रोड का एक छोटा सा व्यू दिखाई देगा, कब रोड का भी आपको कंप्लीट व्यू नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों आ चुका है प्रवीण, हम पहुंच चुके हैं प्रवीण के क्लिनिक में। मैं क्लिनिक नहीं दिखाना चाहता, उसके भी कुछ रीजन है। तो अभी प्रवीण की भी क्लिनिक से छुट्टी हो गई है और मैं तो मेरा तो आपको पता ही है छुट्टी हो गई है। 7:30 मैं निकल चुका था, तो अब हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार। उनको बस इतना पता है कि हम देहरादून में रहते हैं, मैंने इतना बोल दिया। तो हम जा रहे हैं चाय सुट्टा बार में, इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच में जा रहे हैं। चाय सुट्टा बार में क्या लेगा तू? वैसे तो मेरी केसर टी फेमस है, मुझे पसंद है, पर आज कॉफी पीने का मन है तो हॉट कॉफी लिया जाएगा। केसर वाली नहीं लेगा? केसर भी ठीक है, पर केसर मैंने पिछले महीने ही पी थी। एक महीने बाद पी रहा है? मैं तो पीता ही नहीं हूँ चाय, मैं तो कॉफी ही पीने जा रहा हूँ बस। ओके, कॉफी के चक्कर में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जाता ही नहीं हूँ। तो हम भी देख लेते हैं कि हॉट कॉफी कैसी होती है चाय सुट्टा बार की। एक ने पूछा था MBA चाय वाला कि चाय ज्यादा अच्छी है कि चाय सुट्टा बार की चाय ज्यादा अच्छी है। मुझे नहीं पता दोनों की चाय कैसी है, मतलब पता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने MBA चाय वाला की चाय पी ही नहीं है। मैंने पी है चाय सुट्टा बार वाली की चाय, वो भी मैंने पता नहीं कब पी होगी। मुझे क्या पता इतना डिफरेंशिएट होता है चाय में भी, इतनी वैरायटी होती है चाय में, मुझे क्या पता। तो मैं तो बस चाय पीने चला गया बस। चाय MBA चाय वाला हो चाहे चाय सुट्टा बार वाला, दोनों है बेरोजगार। ठीक है, MBA की डिग्री लेके तुम चाय खोल सुट्टा बार खोल रहे, अच्छी बात, बिजनेसमैन बन रहे वो भी अच्छी बात है। पर देखो कि अगर आपने MBA कर रखा है तो ज्यादातर लोग अब बोल रहे हैं कि हम भी पकोड़े वाला बनेंगे, हम भी चाय वाला बनेंगे, हम भी ये बनेंगे, वाला वाला लगे, एक MBA पिज्जा वाला खुला हुआ है। तो मतलब बेरोजगार की सीमा देखो, मतलब चरम सीमा पे बेरोजगार है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, MBA चाय वाला तो आपने बहुत सुना होगा, यही देहरादून में मैंने देखा कि MBA पिज्जा वाला भी बना हुआ है, एक MBA पिज्जा वाला। बताओ सारे, कोई चाय वाला, कोई पकोड़े वाला, कोई पिज्जा वाला लगे पड़े हैं बस बनाने में। हॉट कॉफी अगर चाय सुट्टा बार की नहीं भी होती, कहीं और की होती तो भी मैं पीता। अब वहाँ की इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि नजदीक ही है यार, ज्यादा दूर क्या जाना, क्योंकि नाम सुना हुआ है, नाम भी है उसका, तो पी लेते हैं, पीने में क्या है, पर पी लेते हैं, देखते हैं। तो प्रवीण साहब आज कैसा रहा आज का दिन क्लिनिक में? बहुत भयंकर, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया।
मजा आ गया, मजा आ गया। उत्तराखंड के पेशेंट और इंडिया के पेशेंट अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस तो पेशेंट में हमेशा कम ही रहेगी, अगर अवेयर होता तो पेशेंट किस बात का, अवेयर होता तो आधे से ज्यादा तो खुद को ही ठीक कर लेता घर पे ही। अवेयर होता तो उसने हर 6 महीने पे चेकअप करवाना था कि मेरी बॉडी में कुछ कमी तो नहीं है। अगर आपको कमी का पता पहले ही लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ना क्यों मतलब मेरे हिसाब से देखो, जैसे हम करते हैं ना, अब हम बीमार क्यों नहीं पड़ते है? पता है क्यों? क्यों? इसका भी एक सीक्रेट है जो शायद हम अपने दोस्तों को बताते ही नहीं। इसका सीक्रेट ये, अब हम इसे सीक्रेट क्यों बोल रहे हैं? सीक्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं। सामने वाला इसे सीक्रेट बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते सीक्रेट, हम तो बस अवेयर है अपने लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम क्यों नहीं होते बीमार, मतलब अगर हम बीमार होते भी है तो ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हैं कि बोल सके कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े। हम इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम टाइम पे चेकअप करवाते हैं। सबसे पहली बात, हर 3 महीने में हमें पता है कि, अब वो मैं मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता अभी, जैसे कि हर 3 महीने में हमारा WBC RBC ये चेंज वेंज, हर कोई बात नहीं, ये सब अलग टेक्निकल, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, ये समझ में शायद ना आए लोगों को, पर सब्जेक्टिवली मैं बस इजीली ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने में अपना ब्लड रिपोर्ट मतलब ब्लड चेकअप जरूर कराइए, अपना ESR या CBC जो भी अपना रूटीन ब्लड चेक जरूर कराइए, ब्लड चेकअप जो होता है वो जरूर कराइए। और अगर हो सके तो CT भी कराइए हर 6 महीने में या 1 साल में करा लीजिए, तो सबसे बेस्ट होता है। इससे बेस्ट चेकअप और क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर कुछ पनप रहा है वो पहले ही पता लग जाएगा, पहली अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा, है ना। मैंने अपने काफी सारे दोस्तों को भी बोला है कि ये चीज करनी चाहिए, उनमें से कई लोग करवाते भी हैं, तो उसमें से अब मैं सच्ची बोलूं तो 1-2 को फायदा हुआ है उससे। अब मैं कैसे बताऊं कि क्या फायदा हुआ है उनको, मेरी 2 फीमेल दोस्त हैं तो जिनको फायदा हुआ है ये सब चेकअप कराने से। देखो अब उन्हें फायदा हुआ है, मेल अब फायदा तो फायदा ही होता है, ये भी फायदा है कि जो है पता लग रहा है कि हमें कुछ नहीं है, ये भी तो एक फायदा है, खुश रहता है आदमी। अब ब्लड डोनेट करते हो तुम जैसे, तो उससे हमें उसमें ना सबसे पहले टेस्ट होते हैं बहुत सारे, है ना, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं ना तो उसमें भी चेकअप होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये चेक एड्स का, मलेरिया का, डेंगू का, हर चीज का टेस्ट होता है। तो जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो लगातार कॉन्टेक्ट में रहता है जिसको ब्लड डोनेट किया, मतलब जिस कंपनी को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को उसने ब्लड डोनेट किया उसके कॉन्टेक्ट में रहता है। क्यों रहता है कॉन्टेक्ट में पता है? क्योंकि उस समय वो अवेयर रहता है कि मेरे ब्लड में अभी टेस्टिंग चल रही होगी, कहीं कुछ निकल ना जाए तो मुझे बता देना भाई कि कहीं कुछ निकल तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी सुनने में आया कि हमारा एक और दोस्त यानी कि एक और जूनियर आ रहा है, मतलब दोस्त बोल लो उसको, तो अभी उसी का हम वेट कर रहे हैं, अभी आता ही होगा वो थोड़ी देर में। कितनी देर में आएगा वो? 5 मिनट बोला हुआ है, देखो आपके सामने है टाइम, 5 मिनट बोल रखा है। तो मत बोल, मेरे को बोल भाई। कितनी देर में? 5 मिनट बोला हुआ है, देखो अब कितनी देर में। 5 मिनट बहुत होता है, 5 मिनट। 5 मिनट मतलब गढ़वाली वाला 5 मिनट, समझ रहे? कैसे गढ़वाली वाला? तो मतलब 5 मिनट बोला तो 10-15 मिनट मान के चलो। सही में ऐसा हो सकता है? अरे यार आ गया हमारा दोस्त। हेलो, हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, व्हाट्सअप। आज हमारे दोस्त एंड होस्ट, हमारे दोस्त एंड होस्ट आ चुके हैं। व्लॉग बना रहे हैं। अरे वाह यार, ये तो हमने ले लिया। क्या ले लिया? इससे आप तो बना सकते हो ड्राइविंग व्लॉग वगैरह, है ना? ये वाला है वो। ये मुझे बॉडी थर्मल दिखा रहा है, ये सबसे चीपेस्ट बॉडी थर्मल।
स्कैम है, होता भी है थर्मल, मतलब गर्म होता है इससे, वार्म रखता है बॉडी। 300 रुपए में बॉडी वार्म, 600 रुपए का है, 300 में मिल रहा है। अच्छा 600 का है भी, 300 में मिल रहा है। कौन सा है लगा? अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, आ जाएगा। लगाओ फिर कनेक्ट करो, डांस भी करना पड़ेगा ऐसे होगा। हाँ मैं कर लूंगा डांस। कल प्रवीण ने ट्राई किया था कोकोनट कॉफी, लेकिन चाय सुट्टा बार में नहीं किया था, वो कहीं और किया था। आज हम पिएंगे बुलेट प्रूफ कॉफी। बुलेट प्रूफ जिस कॉफी में तेल डाल देते है। ये मतलब समझा नहीं मैं। अरे वो जो कीटो डाइट में नहीं होते हाँ, क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कुछ लोग? अरे वो जो कीटो डाइट पे होते हैं वो क्या करते हैं? वो नाश्ते में मौजूद ही थे बुलेट प्रूफ कॉफी। तो कैसी होती है बुलेट प्रूफ कॉफी? नहीं मतलब कैसे बनाते हैं वो बुलेट प्रूफ कॉफी? जैसे ब्लैक कॉफी बनाते हैं ना, उसमें बस ऊपर से आपको घी या बटर डालना, उससे पूरा पेट भर जाता है पूरा। घी और बटर कॉफी में? घी या बटर दोनों में से कोई। घी और बटर कॉफी में डालते हैं और इसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ कॉफी। यही मैंने तो कभी नहीं पिए ऐसा। छाती को ब्लड प्रूफ करेगा, सांस ही नहीं फूलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। आ चुके हैं हम चाय सुट्टा बार में, हम गाड़ी लगा लेते हैं इधर, जैसे कि चाय सुट्टा बार आ गया है। चलो घुसेंगे अंदर। कौन सी वाली पिएगा? गुड इवनिंग भैया। कौन सी चाय? चॉकलेट। चॉकलेट बढ़िया झल्ला। कौन सी पिएगा? हॉट कॉफी नहीं, एक बुलेट प्रूफ, एक बुलेट प्रूफ कॉफी, एक हॉट, एक हॉट कॉफी, एक हॉट कॉफी, एक चॉकलेट चाय, चॉकलेट चाय और एक केसर वाली चाय। मेरा पेमेंट उसको बनाना। हॉट कॉफी, हॉट कॉफी तो एकदम जहर हो रही, जहर, जहर मतलब अच्छे व्यू में, अच्छे व्यू में जहर मार ही डालेगी। कैसी लग रही है? कौन सी वाली है? ये है चॉकलेट फज। चॉकलेट फज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो ठंड लग रही है, कार में चले, कार में चलते हैं, कार में चलते हैं। भाई रोड देख के करो क्रॉस, रोड देख के करना क्रॉस। ये हाईवे है यहाँ पे, बहुत ही तेजी से आती गाड़ी। तेरी चाय किधर है? मैंने पी ली है, फेंक दी मैंने। इतनी जल्दी पी ली? बहुत जल्दी पी। मुंह है कि क्या है? कुआ।
हैं जल्दी। तो कैसी लगी तेरे को चाय सुट्टा बार की? देखो चाय जब मैं एक दो साल पहले पिया करता था केसर वाली, तो मुझे बिल्कुल केसर का स्वाद आता था। अब जो मैं पी रहा हूँ दो साल बाद, मुझे केसर में सिर्फ सूंघने के लिए मिल रहा है, केसर का स्वाद नहीं आ रहा। चाय सुट्टा बार का वो अब स्टैंडर्ड नहीं रहे जो पहले थे। चॉकलेट आप पियो या केसर पियो या इलायची पियो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा उसमें, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एकदम ही इलायची फ्लेवर आ रहा है, एकदम ही चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है। हॉट कॉफी का तो ये है कि लगभग सेम ही होती है हॉट कॉफी सब जगह, है ना, इसलिए मुझे तो ठीक ही लगी हॉट कॉफी। हॉट कॉफी का जुनून है, मतलब पीने वाला पीने का चस्का है, इसलिए वो अच्छी लगी। अब चाय तो सबसे मेन है, चाय के लिए जाना जाता है चाय सुट्टा बार। अब तुम कह रहे हो कि दो साल पहले कुछ और था और अब कुछ और है, तो इसका मतलब कि क्या है इसका मतलब? इसमें ये चाय सुट्टा बार का मेन वो है कि इसमें बस फ्रेंड्स की गैदरिंग हो जाती है, मतलब टेस्ट इतना कुछ इसका कोई खास नहीं है, बस यही है कि थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है दोस्तों के साथ तो थोड़ा ठीक लगता है। ये इसमें कोई इतना कोई खास वो नहीं है। तो गेट टुगेदर में क्या है कि मजा आता है कि साथ में सारे काम की थकान को लेके फिर हम दिन भर की थकान को फिर एक जगह बैठ गए, और जब हमें मिलती है केसर चाय के बिना, केसर बिना चाय की मिल रही है, बिना केसर की चाय मिल रही है। तो अभी हमने छोड़ दिया है शुभम को जहाँ से हमने उसे पिक किया था, और वहाँ से वो अपने घर चला जाएगा, और वहाँ उसकी गाड़ी थी तो वहाँ से वो अपने घर चला जाएगा। अब हम जा रहे हैं अपने घर, हम निकल गए अपने घर के लिए। लीजिए हम आ गए हैं प्रवीण के घर। अब यहाँ से प्रवीण अपने घर चला जाएगा। घर क्या चला जाएगा, घर आ ही है इसका। तो प्रवीण यहाँ से अपने घर को चला जाएगा, और यहाँ से वापस मैं जाऊँगा अपने घर। गाड़ी बैक कर लेता हूँ। और प्रवीण मिलते हैं कल। ओके बाय। अगर कल मौका मिला तो कल भी चलेंगे जरा हम हॉट कॉफी पीने, अगर टाइम मिला तो। ठीक है, नहीं तो एक हफ्ते बाद मेरे हिसाब से चाय कॉफी एक हफ्ते बाद ठीक है, डेली बेकार है। ठीक है, ओके फिर, ओके बाय बाय, शुभ रात्रि। तो दोस्तों मैं तो निकल गया हूँ अपने घर के लिए प्रवीण को छोड़ के। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं मेरा घर प्रवीण के घर से। तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट मुझे लग जाएंगे, तो मैं जा रहा हूं अपने घर। रास्ता बहुत ही ख़राब है, ये सब रोड है, अभी मेन रोड पे मैं आया नहीं हूँ, तो रास्ता यहाँ पे ख़राब है। ये सीसी रोड है, सीसी रोड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, गाड़ी बहुत ही डगमगा रही है। अब मैं आ गया हूँ थोड़ा मेन रोड पे, यहाँ से मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लगने वाले हैं घर पहुँचने। तो मैं आ गया हूँ अपने घर, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ट्राई कर रहा था ब्लॉग बनाने का, तो सोचा मैं ब्लॉग बना लूँ एक छोटा सा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, और कुछ गलत पलट वीडियो में बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर, जाता हूँ अंदर, गाड़ी पार्क करता हूँ, और आज का वीडियो यहीं पर करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।